आज मेरी गुफ्तगू का आगाज मैं सिर्फ तीन सवालात से करूंगा। मेरे सिर्फ तीन सवालात का जवाब का मैं जो है तलबगार हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोग मुझे जवाब तो नहीं देंगे लेकिन अपने दिमागों में, अपने दिलों में इस सवाल को जरूर यकीनी बनाएंगे। मेरा पहला सवाल यह है आप तमाम से कि ऐसी क्या बात है शहर हैदराबाद के अंदर जो शहर हैदराबाद की पुलिस परमिशंस नहीं दे रही है, परमिशंस देके जो है कैंसिल कर रही है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि कौन ऐसी ताकत है जो शहर हैदराबाद के अंदर पुलिस को मजबूर कर रही है कि पुलिस की जानिब से परमिशंस ना दे। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या शहर हैदराबाद की अवाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अगर ताकत का मुजाहरा अगर हो जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब अगर चाहें, तो क्या शहर हैदराबाद की आवाम को एहतजाज के परमिशंस नहीं मिलेंगे? मेरा यह सवाल है। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि क्यों इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब एहतजाज नहीं करते? क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब शहर हैदराबाद की आवाम के साथ, वो अपने अवाम के दिलों में जो सवालात है, अवाम के दिलों में जो गुस्सा है, उस गुस्से को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास नुमाइंदगी क्यों नहीं करते कि शहर हैदराबाद के अंदर एहतजाज का परमिशन दिया जाए? मेरे ये तीन सवालात है, और आज मैं तीन सवालात को जब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि क्या बात है कि क्यों हमारी खयादत हमारे साथ नहीं है। हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम सड़कों पर एहतजाज करना चाहते हैं, हम मैदानों में एहतजाज करना चाहते हैं, हम लोगों के दरमियान में जाके एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ में हम अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन हमको पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिलता। पुलिस परमिशन एक ही बुनियाद पर नहीं दे रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस। आप बताइए शहर के अंदर ऐसी क्या हालात पैदा हो गए जो लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस हो जाए? लेकिन मैं समझता हूं कि शहर की पुलिस को मजबूर किया जा रहा है कि पुराने शहर के अंदर और हैदराबाद के अंदर एहतजाज का परमिशन ना दें। ये कौन लोग हैं जो लोग परमिशन देने के लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं? हमको ये सोचने की जरूरत है। आज जहां तक मैं समझता हूं, शहर हैदराबाद के अंदर एक इत्तेहाद के नाम पर जो इंतजार बरपा कर रहा था, उसका खुलासा शहर हैदराबाद की रोडों पर हो चुका है। आज जब लोग इत्तेहाद के नाम पर जमा होना चाहते हैं तो कुछ मुस्लिम खयादतों को इस बात की तकलीफ है, और उसी तकलीफ के जरिए पुलिस की जानिब से परमिशंस कैंसिल करवा रहे हैं। बिठा के पुलिस के जरिए परमिशंस कैंसिल करने के लिए हम पर दबाव डाला जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जब हैदराबाद की आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा करती है तो आप में इंतजार क्यों पैदा होता है? तो इसका मतलब यह निकलता है कि आप इत्तेहाद के नाम पर शहर के अंदर इंतजार बरपा करते हैं। ये 50 साल से आपने यही किया, आज उसका सबूत है कि शहर की आवाम जब इत्तेहाद का मुजाहरा सड़कों पे करना चाहती है तो आप उसके अंदर अपना इंतजार बरपा कर रहे हैं। आप अपनी ताकत का, अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर उसको रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आप तमाम के बीच में यही है कि समझो इन बातों को। अगर हम ना समझेंगे तो हम सिर्फ इनको इख्तदार देते रहे, लेकिन इख्तदार के बदले हमको जिल्लत और रुसवाई मिल रही है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में एहतजाज हो रहे हैं, लोग एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बेंगलोर हो, कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, बहरहाल हिंदुस्तान के हर कोने में एहतजाज हो रहा है। लेकिन अगर एहतजाज कहीं नहीं हो रहा है, वो शहर हैदराबाद के अंदर नहीं हो रहा है, जबकि शहर हैदराबाद दुनिया के अंदर अपनी एक मनफरद पहचान रखता है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास एहतजाज की कोई माने नहीं रखते। हमारी बहनें जब सड़कों पर निकल के एहतजाज करना चाहती हैं, हमारी बहनों को पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले हमारी बहनों को हाथ पकड़कर, उनके गिरेबान पकड़कर उनको पुलिस की गाड़ियों में चला रहे हैं, और हमारी खयादत खामोश बैठी है। तो मैं समझता हूं ऐसी खयादत को हमको एक जवाब देने की जरूरत है। हम इनको सवाल देखिए, हम इनको इख्तदार से हटाने की बात नहीं करते, लेकिन क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी इख्तदार, हमारी खयादत से सवाल करें कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है? अकबर बाग से बच्चियों से गिरफ्तार किया गया, हमारी खयादत खामोश।
मेहदीपट्टनम से बच्चियों को लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, हमारी क़यादत खामोश। हमारी क़यादत मासाब टैंक पर लड़कियों को गिरफ्तार किया, हमारी ख़वातीनों को, हमारी बहनों को गिरफ्तार किया गया, हमारी क़यादत खामोश। अकबर बाग में से गिरफ्तारी हमारी बहनें, हमारी क़यादत खामोश। आप बताइए इससे बड़ी और ज़िल्लत और रुसवाई हैदराबाद की आवाम के लिए क्या हो सकती है। हमारी बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद भी हम खामोश रहे, उसके बाद भी हम अपनी क़यादत से सवाल ना करें। मैं समझता हूँ ऐसी क़यादत को सवाल करने का अगर किसी और में हिम्मत नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। मुझे गाली देने वालों, गाली देते रहो फेसबुक के अंदर, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। लेकिन यकीन जानोगा सिर्फ एक ही बात कहता हूं, तुम गाली देते रहो मैं अपनी बहनों के लिए आवाज उठाते रहूंगा, तुम गाली देते रहो मैं अपनी क़यादत से सवाल करता रहूंगा। ये सवाल करने का हक मुझे जमहूरी भी हासिल है और मेरा ईमान भी कहता है कि तुमने जिसको ताकत बख्शी है उससे सवाल करो। मैं यही सवाल कर रहा हूं, अगर सवाल बुरा लगता है तो आपकी मर्जी, मेरा हक है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा। मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा कि कौन है शहर हैदराबाद के अंदर जो पुलिस के परमिशंस को रुका रहे हैं, इससे किसको नुकसान होने वाला है। यह हैदराबाद की आवाम को सोचने की जरूरत है और हमको सवाल करने की जरूरत है। जब हैदराबाद की आवाम इत्तेहाद का मुजाहरा सड़कों पर करना चाहते हैं तो कौन लोग हैं जो शहर के अंदर इंतजार बर्पा कर रहे हैं। ये मेरे सवालात को समझिएगा, मेरे सवालात पे गौर करिएगा और अपने दिलों में सवाल को पैदा करके रखिएगा। वक्त आने पे इंशाअल्लाह ताला इस सवालों का जवाब भी हम तलब करेंगे, हम वक्त का इंतजार करेंगे। शुक्रिया।